प्रशासन ने माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब जब हमारे पास यहाँ धरने पर जब हम बैठे थे तब वो आए थे, उन्होंने 3 दिन का हमको आश्वासन दिया था कि 3 दिन में मंदिर का जो प्रथम बेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्रथम बेस तो ठीक है, अभी आपने देखा मीडिया परिवार ने कि मलबा भी नहीं हटा अभी। आज दूसरा दिन का जो हमारा निवेदन था, अब निवेदन की प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो चुकी है। समस्त हिंदू समाज यहाँ खड़ा था, एकत्रित था, प्रशासन से जो निवेदन की प्रोसेस थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम सब ने ऐसा डिसाइड करा है कि 28 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जवाबदारी पूर्णतः प्रशासन की होगी, और मंदिर निर्माण जब तक नहीं होता है जब तक ये आंदोलन बिल्कुल नहीं रुकेगा। पूरा हिंदू समाज साथ खड़ा है और हिंदू समाज हर उस स्थिति तक जाएगा जो मंदिर बनाने के लिए करनी पड़ेगी। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अब जो निवेदन हमने किए थे और जो आपने आश्वासन हमको दिए थे वो आश्वासन जितनी जल्दी हो सके पूरी करें, और जो निगम अधिकारी जो मैडम है उन्होंने जो गलत तरीके से जो रूपरेखा से जो सुरपणखा वाला काम जो यहाँ हनुमान जी का मंदिर तोड़कर किया है उससे हम उनको सूचित कर देना चाहते हैं कि अब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि पूरा हिंदू समाज आपके प्रति एकदम आक्रोशित है। आपके साथ भी कोई घटना होती तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है उसके, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि घटना आपने करी है। एक मंदिर नहीं तोड़ा आपने, 3 मंदिर तोड़े हैं, हिंदू समाज के आस्था का केंद्र पर चोट की है। इसकी परमिशन नगर निगम द्वारा ही दी गई थी और नगर निगम द्वारा ही इसको तोड़ा गया। तो ये नगर निगम की भेदभावपूर्ण नीति जो कल भी हुई, मार्केट में अतिक्रमण के नाम पर हिंदुओं को समस्याएं दी और बहुत सारे अतिक्रमण जो गोए वाले छोड़ करके बहुत सारे अतिक्रमण हैं ऐसे जिनकी लिस्ट हमने कलेक्टर साहब को दी थी, तो कलेक्टर साहब ने भी उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके जो भेदभावपूर्ण प्रक्रिया जो अतिक्रमण हटवाए हैं हम उसके भी विरोध में हैं। आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज हमने केवल शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से हमारा निवेदन था, सुंदरकांड के रूप में हमारा निवेदन था, क्योंकि आज का समय दिया था तो हम देखना चाहते थे कि 3 बजे तक क्या होता है। उसके लिए हम यहाँ सुंदरकांड के रूप में बैठे थे, सुंदरकांड किया, प्रभु की भक्ति की, और अभी तक हमें 3:30 बज गए जो है, अभी तक कोई प्रशासन की प्रक्रिया नहीं है, कोई कार्य नहीं है। इसलिए 28 तारीख के लिए हम सभी हिंदू समाज से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने मंदिर निर्माण के और जो आस्था के केंद्रों पर चोट हो रही है उसका बहुत सटीक जवाब दें। आपका नाम? राहुल रामराज।